हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भिन्न का जोड़ आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सवाल दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इस सवाल को देखेंगे, इसके बाद इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 5/2 + 3/5। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, और फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि नीचे वाला जो संख्या है, ठीक है, नीचे वाले को हर कहा जाता है, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जितने भी भिन्न दिए हुए हैं उन सब के हर का लघुतम निकालेंगे। ठीक है, तो 2 और 5 का हम लघुतम निकालेंगे। तो 2 और 5 का अगर हम लघुतम निकालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ जाएगा। 2 से 2 में भाग जाएगा एक बार में, 5 के 5 उतार देंगे, इसके बाद 5 से भाग देंगे एक, और फिर 5 से 5 में भाग जाएगा एक बार में। ठीक है, तो इसका कितना आ गया लघुतम, 2 × 5 = 10। तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, इसके बाद 10 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 2 से 10 में कितना बार में भाग जा रहा है, तो कितना बार में भाग जाएगा, तो 2 × 5 = 10, 5 बार में भाग जाएगा। तो 5 से इस 5 में गुना कर देंगे। ठीक है, यानी जिस संख्या से इसमें भाग देंगे उसी के ऊपर वाले में गुना कर देंगे। तो 2 से 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 से हम 5 में गुना कर देंगे, तो 5 × 5। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर इसके बाद 5 से 10 में भाग देंगे तो कितना बार में भाग जाएगा, 2 बार में। तो 2 से हम 3 में गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 × 3, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इसको मिटा लेते हैं, 5 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 25, फिर प्लस 3 × 6। ठीक है, 3 × 6 और 5 × 25 बटा करेंगे 10 का 10। इसके बाद फिर इसको जोड़ेंगे तो 25 और 6 कितना होगा, तो 31 आ जाएगा, 31/10। ये हमारा आ गया आंसर। अगर आपका कटता है तो काट सकते हैं, वरना नहीं कटेगा ये, तो इसको नहीं काटेंगे। अब चलिए इसको देख लेते हैं, 7/3 है और 5/2, तो इसका लघुतम निकालेंगे। तो 3 और 2 का लघुतम कितना आ जाएगा, तो 3 और 2 का लघुतम निकालेंगे। तो 3 से पहले 2 से भाग देंगे, तो 3 का 3 2 एकम 2, फिर 3 से 1 बार में, फिर 1 का 1। इसके बाद 2 × 3 कर देंगे, 2 × 3, तो 2 × 6 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका लघुतम 6। ठीक है, तो अब 3 से 6 में भाग देंगे हम तो कितना बार में भाग जाएगा, 2 बार में। ठीक है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, इसके बाद 3 के ऊपर वाले में गुना कर देंगे, यानी × 7 कर देंगे। फिर प्लस, फिर 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना बार में भाग जाएगा, 3 बार में भाग जाएगा। और 3 × फिर वो इसके ऊपर वाले में गुना करेंगे, 5 में। इसके बाद यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 7 = 14, फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे प्लस, फिर 5 × 15/6। 14 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 और 10 = 25 और 4 = 29। ठीक है, 29/6, ये हमारा आ गया आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।